हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। मैं फरार है, आपको हमारे चैनल नॉलेज शेयर उर्दू में खुश आमदीद करती हूँ। सो आज हम एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अब जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.1 का। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहे हैं कि हमें इक्विवेलेंट सेट बताना है, इम्प्रॉपर सबसेट बताना है और थ्री प्रॉपर सबसेट बताना है। और थ्री प्रॉपर सबसेट। अब देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, बट क्या होगा, एलिमेंट अलग अलग होंगे। लाइक अगर मैं इक्विवेलेंट सेट यहाँ पे लिखती हूँ, ए सेट है, उसमें है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और बी सेट है, उसमें है ए ई एफ जी एच एफ जी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, मतलब इसमें 4 थे, इसमें भी 4 है, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें 1, 2, 3 था और इसमें क्या अल्फाबेट है, ए ई एफ जी है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। और इम्प्रॉपर सेट क्या होता है, जैसे हमने अपना सेट जो लिया, ये सेट लेते हैं, ठीक है। अब इम्प्रॉपर सेट क्या होगा, इम्प्रॉपर सेट ओरिजिनल सेट के बिल्कुल इक्वल होता है। तो इम्प्रॉपर सेट का कैसे बनेगा, मैं इसको ही लिख दूंगी, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। देन हमारे पास जो आ रहा है थ्री प्रॉपर सबसेट, इसका ये मतलब है कि इस सेट के मजीद कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, पहले हमने ये देखना है। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दे दी, कितने बनाने हैं, हमने सिर्फ 3 बनाने हैं। तो अगर हम देखें इसके सेट, तो हमें ये पता है कि सबसे पहला जो सेट होता है वो हमारे पास नल सेट होता है। सबसेट में, सबसेट क्या होता है कि सेट का जो एक पार्ट होता है, लाइक इस सेट का एक पार्ट, अगर हम ये पार्ट ले लें, फोल्ड ले लें, तो ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और सबसेट जब हम बना रहे होते हैं, सबसे पहला सेट वहां पर नल सेट आता है, देन 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, तो मजीद हमारे पास सो ऑन बहुत से सेट बन सकते हैं इससे, ठीक है। लेकिन हमने क्या बनाना है, 3 सेट बनाने। तो मैं क्या लूंगी, शुरू के ये 3 ले लूंगी, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे दी है। अब इसका पहला पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला पार्ट में, इसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमें सेट का नाम क्या दिया गया, पी दिया गया, और ये एलिमेंट्स बता दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और लाइन लाइन वाइज, लाइक पहले क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो लेकिन एलिमेंट चेंज हो। अब मैं अपनी मर्जी से लिख सकती हूँ इसमें, जब पी सेट था, ओरिजिनल सेट था, तो मैं इसको अब क्या देती हूँ, क्यू का नाम देती हूँ, हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट हो गया। देन हमें क्या करें, इम्प्रॉपर सबसेट बताए। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कि ओरिजिनल सेट के बिल्कुल इक्वल होता है। तो अब इस सेट को मैं नाम दूंगी आर का, और मैं पूरा सेट जो एज इट इज ऐसे उतार दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इक्विवेलेंट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, इम्प्रॉपर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्रॉपर कैसे बनेंगे इसके। अब प्रॉपर सबसे पहला जो सेट आएगा, अब आर, अब मैं इसको इस सेट को देती हूँ एस का नाम दे देती हूँ, कर्ली ब्रैकेट। अब पहला सेट जो होगा वो तो नल सेट होगा, देन मैं ए को ले लेती हूँ, फिर बी को ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या बन गया, 3 प्रॉपर सबसेट बन गए, क्योंकि इन्होंने बोला ही 3 था, तो हम 3 ही बनाएंगे।
अच्छा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें हम इंटीजर्स दिए हुए, अब मैं इसकी कंडीशन बता देती हूँ और फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो हो जाएगा। अब इंटीजर्स दिए हुए जेड दिया हुआ है, ये हम इसके सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जो हमारे पास एलिमेंट है वो ग्रेटर है माइनस टू से और लेस है टू से। अब हमें इंटीजर्स पता है, अगर हम इन्होंने बोल दिया है कि माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, इन्होंने हमें इंटीजर्स की वैल्यूज है वो बता दिए कि ये इंटीजर्स है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, माइनस टू से क्या करना है, ग्रेटर लिखना है और टू से क्या लिखना है, लेस लिखना है। हमें ये पता है कि जिसके साथ माइनस का साइन आ जाए वो वैल्यू, अब ये भी बोल सकते हैं कि टू है तो भाई टू तो बड़ा होता है, लेकिन जब हमारे पास माइनस का साइन लग जाता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो माइनस टू से बड़ा क्या होगा, माइनस वन, देन जीरो, फिर वन, फिर टू। तो इसके अंदर भी सेम ऐसे बनेगा, इक्विवेलेंट सेट आपने वर्ड्स से बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर नंबर है, आप ए बी सी डी लिख सकते हैं। इम्प्रॉपर में आएंगे तो ये पूरी कंडीशन जो है वो लिखेंगे, ठीक है। और जब प्रॉपर सबसेट बनाएंगे इसके थ्री का, तो आप ले लें यहाँ पे वन ले लें, फिर माइनस टू ले लें, वन ले लें, माइनस वन ले लें, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स की जाने। अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो कह रहा है कि राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इन्होंने बोला तो दो एग्जांपल्स ही लिखनी है, एग्जांपल्स कितनी लिखनी है, एग्जाम्पल टू लिखनी है हमें, किसकी लिखनी है, सिंगलटन सेल की। अगर सिंगल, अच्छा सिंगलटन सेल को हम यूनिट सेट भी कहते हैं, या ये भी दिखा सकते हैं, ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि सिंगलटन सेट को और क्या कहते हैं, तो हम यूनिट सेट कहते हैं। अब टू एग्जाम्पल लिखनी है सिंगलटन सेट की, जिसके अंदर सिंगलटन सेट क्या होते हैं, जिसके अंदर वापस क्या है, एक एलिमेंट आए, लाइक अगर वन आ रहा है तो एक बस ये एलिमेंट आए, तो ये वापस सिंगलटन सेट कहलाता है। और किसमें बनाने, किस रिप्रेजेंट कैसे करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में तो अगर फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में देना है, तो मैं सेट ए बोलती हूँ और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जो हमारे पास ग्रेटर होंगे और लेस होंगे इस डिजिट के। अब ग्रेटर तो मैं लेती हूँ माइनस फोर और लेस किसके होंगे, माइनस टू के। अब हम इसका अगर सेट बताएं तो क्या होगा, इंटीजर्स आएंगे माइनस फोर, माइनस फोर के बाद तो ऑब्वियसली क्या है, माइनस थ्री आएगा, फिर माइनस टू आएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, माइनस थ्री। तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस थ्री जो हमारे पास सिंगलटन सेट बना। इसके सेकंड एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अच्छा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, ये इक्वेशन लिए मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब ऐसा क्या नंबर यहाँ लेंगे, डिजिट लूंगी कि जब इसको स्क्वायर करूँ क्या हमारे पास 36 आए, तो हमें पता है कि 6 6 का क्या होता है, 36 होता है, तो इसका सिंगलटन सेट क्या बनेगा, 6 बनेगा। ओके तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास पावर सेट हमें बनाना है सेट का। अच्छा एक सेट हमें दे दिया है, सेट ए 5 10 एंड 15। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसका करना क्या है, पावर सेट बनाने, पावर सेट का मतलब है कि इस सेट के मजीद और कितने सेट्स बन सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको, अब पावर सेट का हमारे पास पी, पावर सेट पी से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में ए क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास क्या सेट ए था,
इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 2n. n क्या है? n हमारे पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट. नंबर ऑफ एलिमेंट इसका मतलब ये है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो हम 2 की पावर लिखेंगे. अब हम अगर सॉल्व करते हैं, p a बराबर है 2, अब n की जगह क्या आएगा, 1 2 3, यहाँ पर कितने थे, 3 एलिमेंट है, तो हमने क्या किया, 2 की पावर 3. हमने लिखा पावर ऑफ ए सेट बराबर है 2, या हमारे फॉर्मूले में था n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या थे, 1 2 3, तो मैंने 2 की पावर क्या कर दिया, 3 कर दिया. अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं कि पावर ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए 2, अब 2 की पावर 3 इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से या 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से. इसका मतलब ये है कि मैं 2 को क्या करूंगी, 3 दफा मल्टीप्लाई करूंगी और 2 ही से, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 जो क्या हुआ 4 और 4 2 8. तो मुझे ये पता चल गया कि इस सेट के पावर सेट कितने बनने वाले हैं, 8 पावर सेट बनने वाले. तो आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया. देन अब हमने इसके क्या बनाने, सेट बना लेते हैं. तो हमें पता है सबसे पहले क्या आता है, नल सेट आता है, देन 5, अब अलग अलग पहले लिखेंगे एक एक करके, फिर 10, देन 11, सॉरी 15, ये हो गया. अब एक एक करके लिख दिया, अब दो दो करके लिखेंगे. अब दो दो करके कैसे लिखेंगे, 5 है 5 10 5 comma 10, देन 5 10 हो गया, अब क्या लिखेंगे, 5 और 15. और इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर एक सेट 5 और 10 आ गया तो हम यहाँ ये नहीं कर सकते कि 10 और 5 लिखेंगे, एक सेट एक ही जगह बनेगा हमारे पास. पहले काउंट कर लेते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए. अब एक और बनाना है हमें, मजीद और कितने बनाने, 2 और बनाने. तो जैसे 5 और 10 हो गया, 5 और 15 हो गया, तो अब क्या रह गया, 10 और 15 रह गया. तो 10 और 15 का एक सेट बनाया, एंड देन हमने क्या बना दिया, इम्प्रॉपर सेट पूरा बना दिया. लास्ट में क्या करेंगे, पूरा जो सेट है ओरिजिनल सेट जिसे हम इम्प्रॉपर सेट भी कहते हैं वो लिख देंगे. तो बस यह क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया. देन हमें इंटीजर्स दिए हैं -1 और 4. अब इसमें भी इजी है कि -1 से क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2. अब इसका सेट आप लोग कैसे बनाएंगे, 0 लिखेंगे क्योंकि -1 इन्होंने बोला हुआ है, तो -1 से ग्रेटर 0 होता है, 0 1 2 3 ये सेट बनेंगे इसके, और इस तरह फिर इसकी पावर निकलेगी, फिर आगे इसके सेट्स बनते रहेंगे. ओके, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो है सेट, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, तो हमें कंडीशन दे दी. अब पहली कंडीशन हम यहाँ लिख रहे थे, टू प्रॉपर सबसेट, वन प्रॉपर सबसेट, एंड लास्ट है नो प्रॉपर सबसेट. अब बताना है कि ये जो सेट दिए गए अब ये कौन सी टाइप से बिलोंग करते हैं सेट की. तो पहले जो हम ये देखेंगे, वन प्रॉपर सबसेट को देखेंगे और नो प्रॉपर सबसेट को देखेंगे. अब वन प्रॉपर सबसेट में अगर मैं एक सेट ले लेती हूँ, जेड सेट है, वो बराबर है ए के, तो इसके कितने मजीद सेट बन सकते हैं, एक नल सेट बनेगा और एक ए सेट बन जाएगा. लेकिन ए सेट क्या होता है, हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होता है. तो हम इसको तो काउंट करेंगे नहीं, इसका क्या मतलब है, एक सेट बन रहा है, और जहां एक सेट बन रहा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंगलटन सेल कहते हैं. तो इसका ये आंसर हुआ कि वन प्रॉपर सबसेट किस टाइप से बिलोंग करता है, सिंगलटन से, सिंगलटन सेट से.
अब नो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि जिसके अंदर कोई सेट ना हो. अब नो प्रॉपर सबसेट, कोई सबसेट ही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा वो. तो यहां हम लिख देते हैं एम्प्टी सेट. अब टू प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है, अगर मैं सेट लेती हूँ, मैंने सेट लिया सेट ए बराबर है ए बी के, तो इन्होंने बोला है कि टू प्रॉपर सबसेट का कोई सबसेट होता है. अब हमें देखना है, तो ए सबसे पहले तो आ जाएगा मेरा नल सेट, ठीक है. देन हम अगर मैं लेती हूँ ए बी और फिर इम्प्रॉपर बनाती हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि टू प्रॉपर सबसेट का तो कोई सेट होता ही नहीं है. या तो तीन हो सकते हैं या एक हो सकता है. मैं इसको दो में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकती, और ये अगर इसको ना भी गिने इम्प्रॉपर सेट है तो हमारे पास यहाँ कितने बन रहे हैं, थ्री प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं. तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल. सो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है. अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके. टिल देन अल्लाह हाफिज़.